और देखो मैं बनारस गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसके दोस्त के साथ, ठीक है, एंड यू नो बीइंग एन आउटसाइडर बनारस के बारे में मेरे को सिर्फ उतना ही पता था जितना मैंने उन दो मूवीज में देखा है, जितना रांझना में देखा उतना और जितना मसान में देखा उतना। वो रांझना में दिखाया कि एक होगा वो जोया का इलाका और एक है वो कुंदन का इलाका और वो मसान में मैंने देखा है, वो देखा तुम लोगों ने मसान, वो उसमें वो श्वेता त्रिपाठी और विकी कौशल है, जिसमें विकी कौशल डोम का बेटा है एंड श्वेता त्रिपाठी अपर मिडिल क्लास, ग्रेट राइटिंग है ना वो उसमें, जिसमें वो प्यार करते हैं और आपस में, फिर एट द एंड मूवी में वो श्वेता त्रिपाठी अपने परिवार के साथ जाती है घूमने के लिए और मर जाते हैं। इट्स अ ग्रेट लव स्टोरी बट तुम देखना, एंड में थोड़ा मौत वौत है। एंड उस मूवी में ना एक घाट दिखाया कॉल्ड मणिकर्णी का घाट है ना, उसमें दिखाया जहाँ पे वो काम करता है। मणिकर्णा घाट की स्टोरी है कि लास्ट ऐसे 4-5 हज़ार साल से वहाँ पे चिताएं जली रही हैं 24 घंटे, मतलब बाढ़ आंधी तूफान कुछ भी है वो चिताएं जला रहे अपना। एंड रीज़न इज कि उनका बिलीव है कि भाई बनारस में जिनका क्रिमेशन होता है, जो अपना प्राण त्यागता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर मैं क्या था टूरिस्ट वाली हरकतें करने, मतलब बता दूँ आपको, यू नो पान खाओ थूको ना मजे करो, चाय वाय पियो बकचोदियाँ करो, आ राजा कहाँ, ये सब, मतलब बट ये सब मैं करने गया था। और उन लोगों ने डिसाइड किया इस मजे को डबल करने के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो लोग शाम को गंगा आरती दिखाएंगे बोट राइड से। तुमने किया है वो किसी ने? है? आपने किया ना, क्या बढ़िया चीज़ है ना, वो बोट राइड ले आते हैं, पर वो उस बोट राइड में लेके नहीं गए जिसमें सेफ्टी फीचर्स है, वो उसमें लेके गए जिसमें गरीब है 70-80 से लदे रहते हैं ना, जो वो सब लोग एक साथ चढ़ जाते हैं उस बोट राइड में। और मैं हूँ हाइड्रोफोबिक, तैरना नहीं आता मुझे, डूबने के 80 तरीके पता है। हाँ हाँ माँ की कसम भाई, मैं बाथटब में डूब गया था यार, कोई डूबा मैं होता है बाथटब में से, आप लेटते हो पीते हो ऐसे बढ़िया पी पा के सो जाते ऐसे मस्त सोते होते, मैं लेटा सो ही गया मैं, और सोता था अचानक सिलके से मैं सब भग भग करके बाहर निकला हूँ, ठीक है, मैं तैर के बाहर निकल रहा हूँ, मैं देने ले चूतिया बाथटब तक खड़े हो जाता। तो ऐसे फट्टू को मुझे लेके गए हैं वो बोट में, वो बोट देखा वो ऐसे चलता है सांपरे सारे ऐसे मुंह ऐसे एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं, है है ना, जैसे मैं तो घाट देख रहा हूँ, वो पता नहीं चूते मुझे क्यों देख रहे हैं। वो बोट राइड की बात बता रहा हूँ, बोट ऐसे चल रहा है और हम इधर घाट देख रहे हैं, ये लोग हमें देख रहे हैं और हम कह रहे हैं हाँ भाई ठीक ही है, फिर मतलब हमने 70 दिए वो देखने के लिए, आप दे रहे हो हमें, तो बढ़िया। हमारा ऐसे बोट चला, हमारा बोट चला, अब बोट ना थोड़ा मेरे को रिस्की भी लगा था और मेरी फटी भी थी उस बोट पे जाने से, क्योंकि हम जैसे ही चढ़ रहे थे ना, वो बोट वाले ने बोला कि आप दो लोग इधर से आओ और आप इधर से आओ, और मैंने कहा ऐसा क्यों, तो कह रहा है क्योंकि फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं चूते 70 लोग का बैलेंस मेरे भरोसे लेके बैठा है क्या तू? और मेरी ना उस बोट में थोड़ी फटी भी थी, क्योंकि जब हम बोट वो चली ना पानी में, वो जैसे जैसे पानी के अंदर जाते गई ना, वो थोड़ी थोड़ी नीचे घुसती चले गई, तुम समझ रहे हो, लाइक वो एंड तक वो, मैं उसे पूछा कि भाई हम लोग गंगा आरती देखेंगे यही जल समाधि ले रहे हैं हम लोग आज रात को, उसका कोई उपाय है? बट हमको उसे बैठा दिया और मैं ऐसे बैठा ऐसे मुंह करके, यू नो ये पोजिशन में जहाँ पे आपको, मैं हाइड्रोफोबिक में ना वैसे होता है ना कि मौत दिखाई तो नहीं दे रही लेकिन ऐसे महसूस हो रही है पीछे, पता नहीं कहाँ मरेंगे पर यही है कि इसी से मरेंगे जो। तो मेरी फट रही थी, तो बट मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि इसकी फट रही है तो इसकी थोड़ी और फाड़ने के लिए हम एक काम करते हैं, तो बोट का एज होता है ना फट्टा, उन्होंने उस पर ले आके बिठा दिया, अभी बोट ऐसे है और मैं इधर सबसे ऊंचाई पे वो एलिवेशन पे बैठा हूँ, एंड चूतियों मौत दिखाई भी दे रही है यहाँ से, मतलब पहले महसूस हो रही थी अभी पता है इसी में मरना है डूब के। हमारी बोट में ना गांडू अंकल भी थे, ये वो वाला गांडू पहली वाली स्टोरी की नहीं, ये अलग है। देखो इनको डिस्क्राइब करने के लिए मैं कोई भी वर्ड ले सकता था लेकिन आई चूज गांडू बिकॉज वो था, क्योंकि जैसे हमारी बोट चली ना वो बंदा ज्ञान देने लग गया कि ये वाला ये घाट है, ये राजा हरिश्चंद्र घाट है, ये नारद घाट है, यहाँ पे कपल एक साथ ऐसे नहाएंगे तो फाइट हो जाता है, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इशारा करूँ कि एक एक डुबकी तो बनती है यहाँ पे, और ये सब चल रही है और मैं ना कंफर्टेबल हो गया था बिकॉज इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल राइड, मजा आ रहा है, नाव चल रही है, अच्छा लग रहा है, और मेरी फट रही थी, ठीक है, मैं पैनिक हो रहा था यहाँ पे बैठ के मर जाऊंगा। तभी अंकल आके मेरे को बोले कि बेटा क्या हो गया, डर क्यों रहे हो, क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं होता, बनारस तो लोग मरने ही आते हैं।
मैं भाई मैं मरने नहीं आया भाई, क्या कर रहा है? मैं टूरिस्टों वाली हरकतें कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं नहीं खेलूंगा ये वाला ना, मेरे को आउट करो। बट वो बोले जा रहा है ऐसे 15 मिनट हो गए, एंड देन आई स्टार्ट फीलिंग गुड, क्योंकि अच्छा लग रहा था। बट तभी मैंने कहा देखा सामने से ना ऐसे 2 किलोमीटर दूरी पे मणिकर्णी का घाट है, और उसके 1 किलोमीटर दूरी पे ना ऐसे बड़ा वाला क्रूज शिप आ रहा है, 3 मंजिला होता है ना जिसपे सब ऐसे नाश्ते भी पा वो आ रहा है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार अभी तो 2 किलोमीटर है, ऐसे ये इधर ले लेगा, हम इधर ले लेंगे, एंड एवरीबडी विल सेफ। और मैं बहुत खुश था, और ये सब चल रहा है, खुशी चल रही है। तभी मैंने क्या देखा कि डिस्टेंस है अभी 1 किलोमीटर, एंड आई एम लाइक ये अभी इधर ले लेगा यार, हमारे वाला इधर ले लेगा, एवरीबडी विल सेफ, हम बढ़िया बातें कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। डिस्टेंस है 500 मीटर, अभी भी आई एम स्टिल इन दिस थॉट कि ये इधर ले लेगा, हम इधर ले लेंगे, एंड एवरीबडी विल सेफ। बट देखो मेरे को लग रहा था कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए, देन आई रियलाइज कि मैंने टाइटैनिक भी देखी हुई है। तो मैं डिसाइड किया कि मैं ये डंडा पकड़ लूंगा, बोट का लीवर जो होता है, जब अगर अगर सामने से बोट की टक्कर होगी ऐसे, बोट ऐसे नीचे जाएगी, मैं लीवर पकड़ लूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को पैर पकड़ा दूंगा, उसका दोस्त आएगा मैं मर मार। और जब तक ऐसे बोट डूबेगी तब तक मदद आ जाएगी, तुम समझ रहे हो? मतलब अब डिस्टेंस था 100 मीटर, और उसने इधर नहीं लिया और हमारे वाले ने भी इधर नहीं लिया, तो मेरी फटी। और मैं चिल्लाया कि अरे सर कुछ करो ना यार, मतलब कुछ करो, कुछ हेल्प करो, हम मर जाएंगे। तो मेरे बोट वाले ने, हमारे नाव वाले ने डिसाइड किया कि हमारी जान बचाएगा, और वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, और जहाँ पे फट्टा था वो मेरे फट्टे पे आके खड़ा हो गया। ऐसे ना ऐसे फट्टे पे बाजू में ऐसे खड़ा हुआ, एंड इज लाइक कि अबे साइड लेना। मैं हम लोग आप ऐसे जान बचाने वाले हो क्या हमारी? चूते वो 3 मंजिल ऊपर है, हम उसे दिखाई भी नहीं दे रहे, तू सुनाई भी नहीं देगा। यू नो दिस वाज द मोमेंट एवरीथिंग बिकम स्लो, कि मैं चिल्ला रहा हूं अंकल जान बचाओ, वो चिल्ला रहे हैं बचाओ, गांडू अंकल चिल्ला रहे हैं बचाओ। और कभी मैं गांडू अंकल के पास गया, जाके बोला क्या हो गया अंकल, बनारस में तो लोग मरने ही आते हैं। ऑल राइट दैट्स माय टाइम, थैंक यू वेरी मच, यू फॉर लव यू।